नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। विधायक चमरा लिंडा ने मोबाइल सोलर पंप सेट का वितरण किया, किसानों के बीच खुशी की लहर देखने को मिली। बिशनपुरा के विधायक चमरा लिंडा ने सोमवार को राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाला खटंगा के परिसर में मोबाइल सोलर पंप सेट सिस्टम का वितरण किया। इस दौरान 35 पंप सेट किसानों के बीच वितरित किए गए। यहां बता दें कि घाघरा प्रखंड के 18 पंचायत में 5-5 मोबाइल सोलर पंप सेट सिस्टम का वितरण करना है, जिसकी शुरुआत सोमवार को बाला खटंगा गाँव से की गई है। इस दौरान डूको, बदरी, कोहीपाट, बेलागढ़ा, सेहल, रूकी, शिवराजपुर पंचायत के किसान उपस्थित हुए, जिन्हें पंप सेट दिया गया। पंप सेट प्रत्येक गांव में चलन होगा, जहां से लोग अपने अपने खेतों में ले जाकर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। इस दौरान विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि बढ़ती डीजल की महंगाई को देखते हुए मोबाइल सोलर पंप सेट सिस्टम का वितरण किया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। किसी भी तरह का अनावश्यक खर्च किसानों को नहीं करना है। इन सभी उपकरणों का उपयोग कर किसान अपनी आय को बढ़ाएंगे। विधायक ने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र से पलायन को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। किसान डीजल की महंगाई के कारण खेती नहीं कर पा रहे थे, अब इस सोलर सिस्टम पंप के माध्यम से सभी भरपूर खेती कर पाएंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। बहुत से लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, जहां उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार और शोषण किया जाता है। इन सभी से लोगों को निजात दिलाना ही मेरी पहली प्राथमिकता है, जिसके तहत पंप सेट का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि संजीव उराव, संजय उराव, हरि उराव, बलकू उराव, बिफैया उराव, राजेंद्र उराव, देवेंद्र तिर्की, जतरू भगत, परमेश्वर उराव, राम किशोर उराव, फगुआ उराव आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग का विधानसभा में पलायन बहुत ज्यादा है, ईटा भाटा लोग ज्यादा जाते हैं। खेती तो है मगर जाते हैं, क्योंकि सिंचाई का सुविधा नहीं है, और सिंचाई का सुविधा तो बिजली भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। इसलिए हम लोग इस बार कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम से आप सोलर प्लेट डाल करके सीधे सिंचाई कर सकते हैं। कहीं पर भी इसको मोबाइल ढकेल के ले जाइए और कर सकते हैं, तो ऐसा से मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लोग अपने बाड़ी में और खेती बाड़ी जो करना है सो कर पा रहे हैं, गेहूँ वगैरह कर पा रहे हैं, और उसी सिंचाई कर सकने के बहाने से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो चूँकि बाहर जाने से अपने बाल बच्चों को भी अशिक्षित रख रहे हैं, तो हम लोग के दिमाग में यही आया कंसेप्ट कि वो यहीं रहे और यहीं से अपने बाल बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करे और खेतीबाड़ी भी करके उसका फीस वगैरह प्रदान करे। और उसके लिए नदी के किनारे, विशेषकर हम लोग का विधानसभा में नदी बहुत ज़्यादा है, तो नदी के किनारे के खेतों में बिजली की आवश्यकता है, जो कि है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर मोबाइल सोलर सिस्टम करके हम लोग इसको दे रहे हैं। पिछला साल हम लोग 1 करोड़ रुपये का खरीद करके दिए, इस बार फिर 1 करोड़ रुपया खरीद करके हम लोग 7 पंचायत के लोगों को दे रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में 5-5 मशीन दे रहे हैं, और उस मशीन में जिस परिवार के लोग अपना कृषि के लिए पटाना चाहेंगे, सिंचाई करना चाहेंगे, वो लोग सिंचाई कर सकेंगे। एक व्यक्ति को हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो व्यक्ति उसको प्रदान करेंगे कि आप सिंचाई करके वापस कर दीजिए, फिर दूसरे दिन दूसरे लोग सिंचाई करेंगे। इस तरह से अपने खेतों में, बारियों में वो लोग सिंचाई कर पाएंगे और बिना पैसा कर पाएंगे। उसमें तेल, डीजल और बिजली भी नहीं लगेगा, बिना पैसा कर पाएंगे। ये चीज़ बेटर है, तो ये चीज़ के लिए हम लोग इसको नया शुरुआत किए हैं। अगर ये सफल होता है, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखे कि ये कितना दूर तक ले जाता है पानी और कितना पैमाने पे पानी ले जाता है, तो हम लोग संतोषजनक परिस्थिति है। अगर ये और बेटर होता है तो इससे और ज़्यादा पावर को डेवलप करके, ऊंचा करके, इंक्रीज करके हम लोग सारे क्षेत्रों में, पूरा विधानसभा में ये सिस्टम को बांटेंगे, देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।